उत्तर प्रदेश में सत्ता संभालने के साथ ही एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं का शोषण करने वालों के विरुद्ध जो कड़े तेवर दिखाए थे उन पर अब सरकारी अधिकारी ही पानी फेरते दिखाई पड़ रहे हैं। मजेदार बात यह कि युवती के साथ यौन शोषण के शक में पकड़े जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को उनके अधिकारी बचाने में जुट जाते हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि काम के बहाने तो कभी नौकरी के बहाने युवतियों के शोषण का ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। ऐसी ही घटना हुई रामपुर के सदर तहसील परिसर में, जहां लेखपालों के लिए बने सरकारी आवासों में युवतियों को काम के बहाने रात में लाया गया और फिर उनके साथ इससे पहले कोई अनहोनी होती युवतियों ने शोर मचा दिया। युवतियों का शोर सुनकर लोगों ने दो लेखपालों को रंगे हाथों पकड़ लिया। अधिकारियों से शिकायत की गई तो अधिकारी भी मामले को दबाने में जुट गए और किसी तरह से समझा बुझाकर युवतियों को चलता कर दिया। विजेंद्र सिंह, विष्णु शर्मा, और दूसरे विजेंद्र सिंह। आप क्या हुआ, आप यहाँ पे थे, आप कैसे लगा था? आप लोग इधर गए थे तो क्या हुआ उसमें? सर हमने लिखित में प्रार्थना पत्र दे दिया। लिखित में क्या कह दिया आपको? कोई कोई रिसीविंग लेकर आए हो या कैसे? तो क्या आपने क्या लिखवाया आपसे? सर उन्होंने ये लिखवाया कि मतलब मैं आगे कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि वो क्यों सर मैं मुकदमा नहीं करना चाहती। क्यों भाई, आपके साथ में इतना बड़ा हादसा हो गया और आप ये चाहते हो कि हम लोग मान लो कार्रवाई नहीं करने से, ये तो बात गलत है ना? सर वो बोल रहे थे ना कि अखबारों में निकलेगी ये वीडियो, नहीं, नहीं, कुछ नहीं। वो जाएगा, आप नहीं, आप जो है प्रेस को बताइए कि मुझसे दबाव में लेगा जो मान लो उन्होंने लिखवाया तहसीलदार साहब ने, बताइए। सर उन्होंने यही लिखवाया, लिखवाया तो कहना नहीं, तो मान लो जो प्रेस वालों को बताइए आप, उसमें क्या बात है? नॉर्मली बात करो, कोई ऐसी बात नहीं, नॉर्मली बात करो। जी सर उन्होंने ये लिखवाया कि आप लिखित में आपके साथ में कुछ नहीं हुआ है, आप इतना लिख दो इसमें कि इसमें आपने आपके साथ में कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है, आप अपनी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहती, अपनी मर्जी से लिखी है सर उन्होंने बोला था, मैं तब मैंने लिखी। आपने अपनी मर्जी से लिखी है दबाव में? अच्छा आपके साथ कुछ क्या क्या हुआ ये बताइए, पूरी बात बताइए। सर उन्होंने जब तेज कार दौड़ाई ना तो उन्होंने बदतमीजी करनी चालू कर दी, इसको पकड़ लिया था तो मैं इसको छुड़ाने के लिए आई तो मुझसे बोले कि मैं कार में बैठे बैठे मुझसे बोले दो तीन हाथ लगाऊंगा भी यहीं पे सही कर दूंगा, ये किसने कहा? मार के फेंक दूंगा विजेंद्र सिंह ने। सर उन्होंने रास्ते में ड्रिंक वगैरह भी लिया था, इज नॉट उन्होंने ड्रिंक भी लिया था रास्ते में, बियर बॉटल एंड वो काफी कुछ लिया था अपनी लिमिट से। हमने बोला था यहाँ पे ब्रेक मारो तो उन्होंने बोला था खाने पीने के लिए कर आगे रोकेंगे, उन्होंने कार इतनी स्पीड से कर दिया था, मेरे हार्ट बीट बहुत बढ़ गई थी और मैं रोने लगी थी, पर उन्होंने मेरे को बोला तेरे एक थप्पड़ मारूंगा और एकदम सही हो जाएगा। किसने बोला? जी सर विजेंद्र ने। अब क्या चाहते हो अभी? जी कानूनी कार्रवाई तो जहाँ जहाँ तक के अंदर बोला तो के इंसल्ट हो गया, करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं ये बताइए आप हमें। आप कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं? नहीं, ये सब मीडिया खड़ी है, आप किसी का दबाव में, ये पूरा इंडिया देख रहा है, आप सजा मिलनी चाहिए। तो तहसीलदार साहब कौन होते हैं कि आपसे दबाव में लेके और आपसे जो है मान लो जो लिखवा लिया कि आप नहीं करना चाहते हो कानूनी कार्रवाई, तो आप जो है पुलिस प्रशासन को बताइए, मीडिया वाले को बताइए, बोले मैं मुझे जो है दबाव में लेकर तहसीलदार साहब ने जो है मुझसे लिखवाया। सर मैं करूंगी कानूनी। एक मिनट बस, आप वहाँ आप इन लोगों के साथ कहाँ से आई थी? पनवड़िया से आए थे, बट ए टू जेड ये सब छोड़िए, वो सब हम बाद में बताएंगे, मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी, कोई करे ना। आखिरकार क्यों गाड़ी में अपनी बैठा लगाया आपको? जी सर काम के पर्पज से कि हम आपको काम देंगे, घर बैठे काम मिलेगा, जो लड़कियों की शादी के छः महीने पहले जो पैसा मिलता है और 6 महीने बाद भी मिलता है, तो उसके लिए बोले आपको घर बैठे काम मिलता रहेगा और आपको इसमें भी कमीशन मिलता रहेगा, जो शादियों का पैसा मिलता है, विजेंद्र सिंह ने बोला। और कौन थे साथ में आपके? जी सर साथ में कौन कौन थे? साथ में विष्णु शर्मा और विजेंद्र सिंह। तो ये आपको कहाँ से लेके आ रहे थे? सर पनवड़िया से लेके आ रहे थे, आधे घंटे से हमारा। अच्छा इतनी रात में काम का क्या काम? सर वो तो हमारा आधे घंटे से वेट कर रहे थे, कॉल पे कॉल करे जा रहे थे, तो हमने उनसे बोला भी कि हम कल बात कर लेंगे, तो मुझसे बोले नहीं मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो यहीं पर 5 मिनट लगेंगे, बात कर लो आप मुझसे आके। आप क्या करती हो? सर मैं हाउस वाइफ हूँ, घर में रहती हूँ। उन्होंने ये बताया है कि उनको जो है वो उनको किसी काम से जो है उनको लेके आ रहे थे गाड़ी में, और उन्होंने गाड़ी थोड़ा तेज चला रहे थे, चलाने हम लोग डर गए, तुम डिक्की नहीं लगे, फिर यहाँ भीड़ लगे, झगड़ा वगड़ा हो गया, मतलब कुछ लोगों ने गलत सोचा, झगड़ा वगड़ा सीन हो गया, ठीक है। अब हमको जो एक उन्होंने लिख के दिया है वह करो कि वह करो अपना कर देते हैं डिपार्टमेंट। तो लड़की जो थी उन्होंने क्या लिख करके दिया, क्या बताया उन्होंने? बताया तो मैंने, ये तो बताया नहीं उन्होंने। सर उनका आरोप है कि लेखपाल वो लड़की उनके परिवार की भी नहीं है, हटके हैं वो परिवार से हटके हैं लड़की भी, जिस तरह से वो लेके जा रहे थे किसी, नहीं मेरे से तो कुछ समझा नहीं आया, मुझे उन्होंने कुछ नहीं बताया। जो अधिवक्ता है उन्होंने जो है बाइक भी दी है मीडिया को, वो अधिवक्ता बताएंगे कहाँ की रहने वाली, क्या कुछ बताया?
बढ़िया डिपार्टमेंटल कोई कार्रवाई करेगा इसमें अगर कुछ ऐसा पाया जाएगा कुछ इंक्वायरी होगी अगर पाया जाएगा तो किया जाएगा मतलब जांच के लिए विभागीय जांच के लिए लिखा हाँ लिखा तो उसमें क्या विभागीय जांच के लिए क्या लिखा उसमें क्या बताया है जाँच आएगी तो बताएंगे नहीं नहीं विभागीय जांच के लिए मतलब क्या आरोपों के साथ आपने विभागीय जांच के लिए लिखा है जो उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है हाँ क्या बताया उसमें क्या बताया वही तो मैंने बता तो दिया आपको उस समय आवाज़ आ रही थी ना थे अब बताइए मैंने आपको बताया तो वही बात जी क्या बताया वही तो पूछ रहा हूँ भाई बता तो दिया था एक बार कि वो उन्होंने बताया है लिखित में कि उनको गाड़ी में बिठाया मतलब वो लोग गाड़ी में बैठी और गाड़ी तेज चलाने लगे लेखपाल हाँ जी और चिल्लाने लगे फिर क्या हुआ फिर कुछ लोगों ने गलत सोचा तो यहाँ पे अपना कि गाड़ी वाड़ी रुकवा ली और फिर उसका झगड़ा वड़ा वहीं शुरू होने लगा मार पिटाई भी हुई थी अब ऐसा तो उन्होंने बताया आरोप है कि नशे में भी थे लेखपाल जो थे ऐसा तो उन्होंने पिछले क्या नाम है इनका लेखपाल मोदी का विजेंद्र और विजेंद्र सदर में ही है सर हाँ सर